Hey everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Get a Date and welcome back to my channel. And yes, आज आ रही है बहुत सारे लोगों के रिजल्ट्स. मैं देख रही थी, बहुत सारे मैसेजेस देख रही थी, तो देखा कि यार बहुत सारे लोगों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग सीए बनने के लिए डेस्परेट हैं, बहुत सारे लोग अगेन फील कर रहे हैं कि यार शायद क्लियर होगा नहीं होगा, एंड बहुत सारे लोग श्योर हैं कि क्लियर नहीं होगा. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका क्लियर हुआ है उनको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर. Congratulations, and yes, you may find what best you have to do in your life next. उसके बाद आते हैं सेकेंड कैटेगरी, जिनको लग रहा है डाउट है यार पता नहीं क्या होगा, पता नहीं अब क्या होगा. जो भी होगा अच्छा होगा, बिलीव मी, बिकॉज सिर्फ पास और फेल नहीं होता. आई नो ये सब कहते हैं, मैं भी ऐसा कहती हूँ क्योंकि मैंने भी ये चीज़ फील करी है. मैं भी इस चीज़ में स्टक थी बहुत समय से, मैंने करियर स्विच किया है, लेकिन मैं कभी किसी को ये एडवाइस नहीं करती हूँ कि आप करियर स्विच करो, बिकॉज करियर स्विच करना हर किसी के लिए कंफर्टेबल भी नहीं होता, हर किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं होता, और हर किसी के लिए वो सोल्यूशन भी नहीं होता. राइट, सो आई विल नेवर एडवाइज यू टू स्विच करियर क्योंकि मैंने स्विच किया है. बस मैं यही कहूंगी कि टिके रहो, डटे रहो, कभी ना कभी आपका क्लियर होगा. एंड पहले भी मैंने कई बार कहा है, ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कहाँ गलती हो रही है रादर देन डूइंग सेम थिंग्स रिपीटेडली. अगर आप फेल हुए हैं, हो रहे हैं, बहुत समय से हो रहे हैं, तो प्लीज़ अब थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज को आपको चेंज करना पड़ेगा. हमेशा की तरह वही सेम तरीके से आप पैटर्न में पढ़ाई करोगे, रिविजन्स करोगे, तो बात नहीं बनेगी. कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे तभी रिजल्ट में चेंज आएगा, क्योंकि अगर रिपीटेडली फेलियर मिल रहा है, रिपीटेडली सेम ही काइंड ऑफ रिजल्ट आ रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं रिपीटेशन कर रहे हैं. तो चेंज अगर हमें लाना है, अगर हमें ये चाहिए कि यार क्लियर हो जाए, बस किसी तरह से क्लियर हो मेरा, तो फिर मुझे चेंजेस लाने पड़ेंगे. एंड सिर्फ ये यू नो क्लियर करने वाली चीज़ नहीं, आई हैव सीन बहुत सारे लोग कि सीए बन गए किसी तरीके से, यू नो बहुत सारे अटेम्प्ट के बाद, और ये बिल्कुल मार्क पे भी बन गए, फिर उसके बाद भी वो क्लूलेस हैं. तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि चेंज करो, देखो क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और एक्चुअल में ये चीज़ चाहिए नहीं चाहिए. राइट, और चलिए थर्ड कैटेगरी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, जो कि मैं भी जिस कैटेगरी में बहुत बार होती थी कि मुझे पता होता था यार इस बार मेरा क्लियर नहीं होगा, और वो कैटेगरी है यस वही कैटेगरी जिसको पक्का पता है कि मेरा क्लियर नहीं होगा. बहुत सही, आपको पता है कि आपका क्लियर नहीं होगा, लेकिन प्लीज आइडेंटिफाई द रीजंस. एंड अगर क्लियर नहीं करना है और अगर आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं है, तो इट्स हाई टाइम कि आप स्विच करें, अपनी स्टडी स्विच करें, अपना प्रोफेशन स्विच करें, करियर स्विच करें, बिकॉज मैंने बहुत टाइम दिया है इस प्रोफेशन को. एंड अगर मैं अटेम्प्ट्स बताऊंगी तो आप डर जाओगे. मैं इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि क्या होगा कि अगर मैंने ये कहा कि मैंने इतने सारे अटेम्प्ट्स दिए और उसके बाद स्विच करा, तो फिर आप ये बोलोगे कि यार इतने अटेम्प्ट्स के बाद ना स्विच ही करना होता है. नहीं करना होता, ये कोई सोल्यूशन नहीं है स्विच करना. लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगी कि अगर आपको ये चीज़ नहीं चाहिए, अगर आप नहीं हो इसमें इंटरेस्टेड, तो प्लीज़ थिंक कि आपको आगे क्या करना है. अगर आप सिर्फ इसलिए स्विच नहीं कर रहे हो, अगर आप कुछ और प्लान सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हो कि आप पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस हैं, नेबर्स की हैं, रिलेटिव्स की हैं, यार सब क्या सोचेंगे, इतना सारा टाइम दिया और फिर स्विच कर लिया, तो ये सब भूल जाओ, क्योंकि ये आपको कभी ना कभी करना पड़ेगा. अगर आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आपको पता है मेरा क्लियर नहीं होने वाला है क्योंकि मैं तैयारी नहीं कर रही हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, इस तरीके की कोई सिनेरियो है, या फिर मैं सिर्फ फोर्सफुली इस करियर में हूँ, तो प्लीज़ टेक डिसीजंस, बिकॉज आगे बहुत टाइम हो जाएगा और फिर उसके बाद बहुत डिफिकल्ट होगा करियर स्विच करना और न्यू करियर में स्टेब्लिश होना, बिकॉज कहीं ना कहीं ये एक सोसाइटी है जिसमें हम रहते हैं, जहाँ पे एज मैटर करती है. आप चाहे अपने आप को कितना संभाल लो, कितना कह लो, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, और यार इतनी एज हो गई अभी तक अर्न करना शुरू नहीं किया, और यार इतनी एज हो गई अभी तक मैरिज होनी शुरू नहीं हुई, स्टिल मैं ये कहती हूँ कि सोसाइटी का इतना सारा बर्डन लेने की अभी कोई जरूरत नहीं है. बार बार ये सोचने की जरूरत नहीं है ये कहेगा, ये वो कहेगा, नहीं, मुझे अपने बारे में सोचना. और यही मैं कह रही हूँ आपसे कि आपको अपने बारे में सोचना है, अगर कुछ और करना चाहते हैं तो उसमें सेट होने के लिए भी आपको टाइम लगेगा. तो रादर देन यू नो गिविंग योर टाइम टू दिस स्विच, डिसीजन लीजिए. अगेन मैं किसी को भी फोर्स नहीं कर रही हूँ स्विच करने के लिए या कन्विंस कर रही हूँ स्विच करने के लिए. मैं बस आपसे कह रही हूँ कि आप अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, वो पर्पस जरूर जान लीजिए. हर प्रोफेशन, हर करियर, हर लाइफ सबके लिए नहीं होती, सबकी लाइफ डिफरेंट है. ओके, सो सब कुछ भूल कर अपने ऊपर फोकस करिए, कंसंट्रेट करिए, एंड यस यहाँ से फिर आपको बहुत सारा टाइम मिलता है पढ़ने के लिए. सो प्रॉपरली प्लान करिए. ओके, बस मैं यही कहना चाहती हूँ, डीमोरलाइज ना हो, कुछ भी हो, आई नो ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जब जिस पर बीतती है तो वो बहुत मुश्किल होता है. मेरे साथ बहुत बार बीती है, बस मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने फाइनल के टाइम कम से कम 8+ दिए होंगे.
राइट बस मैं सिर्फ इतनी बात कह रही हूँ, आपको एग्जैक्ट कुछ नहीं बताने वाली, बिकॉज कहीं ना ये ऐसी नेगेटिविटी भी शो करता है कि यार अगर इतनी बार हो गया ना तो फिर होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, मैं उस चीज़ के लिए नहीं बनी थी, तो मैंने वो चीज़ स्विच कर ली, रियलाइज कर लिया कि नहीं यार वो प्रोफेशन मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं करूँगी और मुझे वो करके कुछ नहीं मिलने वाला है आगे। क्यों? क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये है कि छोड़ते हुए बड़ा दुख हुआ था, लेकिन यस आज लगता है कि यार ये है जिसमें मैं हूँ, ये है एक्चुअली ये मैं हूँ जिस प्रोफेशन में मैं आज हूँ। ओके, सो ये मैं एक एचआर प्रोफेशनल हूँ और यस अ करियर कोच, मोटिवेटर, आप कुछ भी कह सकते हैं, एंड यस आपकी एक फ्रेंड जो कि आपको सही समय पे गाइडेंस देना चाह रही हूँ। ओके, सो बस इतनी सी बात, छोटी सी बात। सो यस वाइप आउट योर टीयर्स एंड आई नो आते हैं यार, मतलब बैठे बैठे कहीं किसी के सामने चाहे आप जाहिर करो ना करो, लेकिन हाँ ये इमोशंस होते हैं। आई डू हैव दिस एंड बहुत टाइम तक ये चीज़ बेयर भी की है। और एक चीज़ होती थी हमारे टाइम पर, लास्ट शेयर करती हूँ, एक चीज़ होती थी हमारे टाइम पर कि जिसका भी जो भी फेल होता था ना उस वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता था। आई डोंट नो अभी भी ये ट्रेंड है या नहीं है, लेकिन हमारे टाइम में ऐसा कुछ हुआ करता था 10-12 साल पहले। तो मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा होता है, तो मैंने अपना फ़ोन खुला ही छोड़ा और मैं फेल हो गई थी। तो मेरे पास जब कॉल आई बहुत सारे लोगों की, तो सबने मुझे बताया कि तेरा फ़ोन खुला है इसलिए हमें पता हमें लगा कि तू यू नो तेरा क्लियर हो गया, मतलब तो मैंने कहा कि क्यों मुझे फ़ोन क्यों बंद करना होता है, लिटरली मैंने ऐसे पूछा था, मतलब फ़ोन मैं क्यों बंद करूँगी, फ़ोन से क्या प्रॉब्लम हुई। कह रही नहीं वो कम्युनिकेशन एकदम बंद कर देना होता है ना इसलिए। तो मैं ये कह रही हूँ आपसे कि कम्युनिकेशन बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे बेटर यह है कि यार उस ड्यूरेशन में ना फ़ोन बंद करना है तो करो, लेकिन प्लान करो उस समय, सिर्फ दुख मनाने के लिए मत बैठो उस समय, ये मत सोचो कि हाँ मुझे पूरी दुनिया से कटना है, पूरी दुनिया से कटना है इसलिए मैं साइडलाइन हो जाऊँ। मैं कोई प्रोफेशनल सीए नहीं हूँ, आई नो आपके बहुत सारे मेंटोर्स, बहुत सारे सीएस, बहुत सारे कोचेस हैं जो आपको और बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें फेस की हैं एंड मुझे थोड़ा सा सैड लगता है कि यार ये टाइम बहुत ही अजीब सा होता है, क्योंकि क्या होता है ग्रुप में 5-6-7 लोग हैं, किसी का क्लियर हो गया किसी का नहीं हुआ, तो वो जो फीलिंग होती है वो मुझे पता है। ठीक है, सो और स्पेशली अगर ऐसा हो कि आपका फाउंडेशन फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो, इंटरमीडिएट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो, मतलब पीसीसी आईपीसीसी हो आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गए हों, सीपीडी आपका P1 क्लियर हो गया हो फर्स्ट अटैम्प्ट में, फाइनल में आप अटक रहे हो या एक ग्रुप में अटक रहे हो, तो क्या फीलिंग होती है। ओके, सो इसीलिए मैंने आपसे शेयर किया। एंड यस यार मस्त रहो, हंसते रहो, कहना आसान है लेकिन हाँ इस चीज़ से बाहर तो आना ही है, 2-3 दिन में आराम से बाहर आ जाओगे, फिर उसके बाद आप ज़रूर डिसाइड करें। बल्कि मैं तो कहती हूँ यार रिजल्ट आता है ना और जब आप बिल्कुल सेपरेट हो गए हो सबसे तभी डिसाइड करना अच्छी बात है, तभी डिसाइड कर लो क्या करना है। ओके, सो यस स्टे हैप्पी स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।